सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। साइबर सिटी गुरुग्राम में हथियारबंद बदमाशों ने शहर के नामी सोने चांदी और हीरे के व्यापारी से लूट की कोशिश को अंजाम देने का मामला सामने आया है। दरअसल सदर बाजार इलाके में आभूषण मंदिर शोरूम के मालिक देवेंद्र जिंदल रोजमर्रा की तरह ही रात में अपने शोरूम को बढ़ा करके सेक्टर 15 पार्ट 1 स्थित अपने घर जा रहे थे। तभी गाड़ी में सवार हथियारबंद बदमाशों ने देवेंद्र की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारकर रुकवाया और गाड़ी में रखे कागजात और शोरूम की चाबियों से भरा बैग लूटकर मौके से फरार हो गए। एकाएक हुई इस वारदात के बाद मामले की सूचना गुरुग्राम पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने ज्वेलर्स आभूषण मंदिर के मालिक की शिकायत पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। मैं अपने 8:15 बजे दुकान बंद करके यहाँ से निकला हूँ। ड्राइवर और मैं गाड़ी में थे। जब हम 15 सेक्टर के मोड़ पर पहुंचे हैं, घर की तरफ मुड़ने लगे तो उन्होंने गाड़ी पे सीधी टक्कर मारी। वो टक्कर मार के बड़े बड़े डंडे वगैरह ले रखे थे, उन्होंने गाड़ियों के ऊपर सब बरसाने शुरू कर दिए और हमारे को गालियां दे के हम लोग इधर उधर भागे। ड्राइवर को उन्होंने पकड़ लिया और उसको काफ़ी चोटें आई और उसको मारा पीटा कर लिया। और जो गाड़ी में हमारे बैग वगैरह थे, चाबी के बैग थे, लंच बॉक्स के बैग थे, वो सब उठा के वो भाग गए। सर कितने युवक थे और क्या कुछ नुकसान हुआ है? 4 से 5 जने थे और मेरा पैसों का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, चाबी वगैरह के बैग वो सारे ले गए। तो आपके ड्राइवर के साथ भी मारपीट? हाँ, ड्राइवर के साथ मारपीट करी है, उसको 2-3 जगह टांके चोटें आई हैं। तो अभी कहाँ पर है? अब तो घर पे है, शाम को उसकी सर्जरी वगैरह जो भी उन्होंने करनी थी करके उसको डिस्चार्ज कर दिया है। वही इस मामले में SP क्राइम की माने तो वारदात कल शाम तकरीबन 9 बजे के आसपास की है, जब देवेंद्र जिंदल सेक्टर 15 पार्ट 1 स्थित अपने घर पहुंचे थे और यहीं पर पहले से घात लगाए अज्ञात बदमाशों ने देवेंद्र पर हमला बोल लूट की असफल कोशिश को अंजाम दे डाला। पुलिस की माने तो बदमाशों को अंदेशा था कि सिटी के नामी ज्वेलर्स के पास कैश के तौर पर मोटी रकम जरूर होगी। ACP क्राइम प्रीतपाल सिंह की माने तो बदमाश गाड़ी से आए थे और वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी चोरी की थी। बहरहाल पुलिस ने आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज को कब्जे में ले मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये देवेंद्र जिंदल जो सदर बाजार में इनकी दुकान है आभूषण वगैरह की, और वहाँ से कल 8:30 बजे के करीब अपनी सेंट्रो कार में बैठ के अपने घर पे आए सेक्टर 15 के पार्ट 1 में, और वहाँ पे एक गाड़ी ने इनकी गाड़ी में टक्कर मारी और उसमें कुछ लड़के सवार थे, 5 लड़के सवार थे, उन्होंने गाड़ी के शीशे पे डंडे वंडे मार के और इनके जो ड्राइवर थे उनको धमका के और उनके पीछे वाली सीट पे एक चाबियों का बैग था उसको उठा ले गए। तो इस तरह की ये वारदात हुई है जिस पे हमने FIR दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वो उनके पास भी गाड़ी थी और वो गाड़ी भी चोरी हुई है वहाँ Part 2 से ही 2 दिन पहले, उसमें थे सवार लेकिन डंडे वगैरह थे उनके पास, इस तरह की बातें वेरीफाई। नहीं, कोई चीज़ लूटी इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, उसमें कोई वैल्यूएबल आर्टिकल्स नहीं थे, सिर्फ चाबियां थी दुकान की। आपको बता दें कि सदर बाजार के इलाके के व्यापारी के साथ घटी ये कोई पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी सदर बाजार इलाके के नामी व्यापारी बाबा गारमेंट के मालिक की लूट के बाद हत्या कर दी गई। इसके साथ साथ हरी स्वीट्स के मालिक से भी नकाबपोश बदमाशों ने लाखों की लूट को अंजाम दिया था। हालांकि दोनों ही वारदातों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे जरूर भेजा है, लेकिन लगातार होती ऐसी वारदातों से सदर बाजार के व्यापारियों में गुस्सा और दहशत का माहौल जरूर देखा जा रहा है। सत्य खबर के लिए गुरुग्राम से गौतम की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।